आज बनाएंगे जी क्रिस्पी और टेस्टी चीला, जिसे हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके हेल्दी भी बनाएंगे। और आप इसे सुबह के नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो इस चीला को बनाने के लिए हमें चाहिए ओट्स, लेकिन अगर आपके पास ओट्स ना हो तो आप इसके बगैर भी ये चीला बना सकते हैं। जो भी चीज़ें हम आगे ऐड करेंगे इसमें, केवल आप उसी को डालकर ये चीला बना सकते हैं। लेकिन ओट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो आप ओट्स ज़रूर खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। तो यहाँ पर मैं 2 कप ओट्स ले रही हूँ, इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और उसके बाद मैं 1/2 कप मूँगफली के दाने ले रही हूँ, इसके छिलके निकाल कर, इसको हल्का सा रोस्ट करके इसके छिलके निकाल लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे। तो मूंगफली भी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जो कि इस चीला को सुपर हेल्दी बनाएगा। और अब हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है, तो इसमें पानी डालेंगे, तो उतना ही पानी डालेंगे जिससे कि इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं इसी तरीके का होना चाहिए। और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था, तो थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन इस चीले में एक अच्छा सा फ्लेवर भी देगा और बाइंडिंग का भी काम करेगा। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा भी इस चीला में बाइंडिंग का काम करेगा और इसे थोड़ा सा लचीला भी बनाएगा। और अब इस चीला को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर मैं 1 कप भर के सूजी डाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें डालेंगे पानी। तो पानी आप धीरे धीरे करके इसमें डालिएगा, पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि हमें इसका बैटर कैसा बनाना है। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका बैटर कैसा बनाकर तैयार करना है, तो उसके अनुसार ही आप इसमें पानी डालिएगा। यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है, तो अभी हम इसमें और पानी नहीं डालेंगे, बाकी की पानी बाद में डालेंगे। पहले हम इसमें कुछ सब्जियां वगैरह और मसाले इसमें डालेंगे। तो 1 कटोरी में इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। प्याज को बहुत बारीक बारीक कट करके डालिएगा इसमें। और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इस चीला को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो 1/2 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। उसके बाद 1 छोटी चम्मच इसमें साबुत जीरा डालेंगे, जो कि इस चीला में बढ़िया सा फ्लेवर देगा। उसके बाद 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स इसमें डाल देंगे। चिली फ्लेक्स से भी इस चीला में एक बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है। इन सबको डालने के बाद अब इसमें और पानी हम डालेंगे। 1 कटोरी पानी मैं और इसमें डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि इसको ढककर रखेंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि जो सूजी हमने इसमें डाला है ना, वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद हम चीला बनाना स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का बैटर हमारा होना चाहिए, क्योंकि जब सूजी फूलेगा ना, तो उसमें हमें थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, तो हम इसमें पानी और डालेंगे। तो 1/2 कटोरी पानी मैं और डाल रही हूँ इसमें, और इसे भी मिक्स करेंगे। और अब आप देख सकते हैं इस बैटर की कंसिस्टेंसी, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। तो बिल्कुल इसी तरीके का बैटर बनाकर तैयार करना है, पतला घोल बनाकर तैयार करना है। अगर आपने गाढ़ा इसका बैटर तैयार किया ना, तो फिर आप पतला पतला क्रिस्पी चीला नहीं बना पाएंगे। तो इसी तरीके का पतला घोल बनाकर तैयार करना है। तो चलिए अब हम इसका चीला बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन रखा है, आप तवे पर भी इसको बना सकते हैं। तो इस फ्राई पैन को अच्छे से तेल से ग्रीस करेंगे, जिससे कि चीला इसमें चिपकेगा नहीं, और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद चीला बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम एक कलछी की मदद से इस तरीके से बैटर को डालेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। हाथ को जल्दी जल्दी चलाते हुए चारों तरफ फैला देंगे इसको। कलछी की मदद से बिल्कुल नहीं फैलाना है, बस आप इसे डालेंगे और ये अपने आप ही फैल जाएगा इस तरीके से चारों तरफ। तो
तो पतला घोल बनाने का यही एक फ़ायदा है कि इसी तरीके से ये बनकर तैयार हो गया। आपको बिल्कुल भी कलछी की मदद से इसको फैलाना नहीं पड़ेगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिएगा, और जैसे ही ये ऊपर से ड्राई होने लगेगा ना, हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इस चीला में जाली जाली जैसा बनकर तैयार हो गया है। हमने इसमें कोई भी बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर कुछ भी यूज नहीं किया है, और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन है ये एक नाश्ते का। तो इसके ऊपर तेल लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा, और जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन नीचे से दिखने लगेगा, हम इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पर ये नीचे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन दिख रहा है, तो हम इसको साइड साइड से इस तरीके से निकालते हुए पलट लेंगे। बहुत आसानी से निकल आता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसको बनाने में। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इसे पलट लिया है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है तवे में। तो हम इसे पलट पलट कर दोनों तरफ से पका लेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और यहाँ पर ये चीला बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल जाली वाला ये देख सकते हैं आप। और हेल्दी तो है ही, और साथ ही साथ क्रिस्पी भी बहुत है। तो चलिए एक और चीला बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब भी दोबारा से चीला बनाना हो, दोबारा से हम तेल से इसको ग्रीस करेंगे और उसके बाद चीला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक कलछी में लेंगे बैटर को, और इस तरीके से डालेंगे चारों तरफ फैलाते हुए। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है इसको बनाने में, और कलछी की मदद से इसको बिल्कुल नहीं फैलाना पड़ता है, अपने आप ही ये फैल जाता है। तो इसी तरीके का बैटर ज़रूर बनाइएगा, पतला बैटर बनाकर तैयार करना है। तो इसे भी हम पका लेते हैं इसी तरीके से, और ये वाला चीला भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म और बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी चीला बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे सुबह के नाश्ते में खाइए, या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसको। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।